आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सब क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें दिखाना है कि 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आ रहे हैं। होल नंबर्स आपको पता है जो जीरो से स्टार्ट होते हैं अप टू अनकाउंटेबल, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इसके लिए कि हम इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये गिनती लिखेंगे। ठीक है, हम इधर से आगे ये नंबर्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले 32 से लेकर 53 तक आप पूरी गिनती लिखिए। ठीक है, 32 के बाद 33, उसके बाद 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 एंड 53। उसके बाद क्या करना है आपको, 52 से बोला इन्होंने 32 से लेकर 53 तक। हमने अब ये जो इनके बीच में जो इन होल नंबर्स, ये सारे होल नंबर्स हैं, ठीक है ना। आपको पता है होल नंबर्स जो है जीरो से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं आगे, ठीक है ना। तो हमने इनके बीच में निकालने हैं, तो हमें इनके बीच में निकालने के लिए हमने सबसे पहले इनकी गिनती लिखी और हम आप काउंट करेंगे कि कितने आते हैं इन दोनों के बीच में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। कितने आए? 20। पता चला ना कैसे करना है इनको। तो अब हमें लिखते हैं, देयरफॉर देयर आर 20 होल नंबर्स और नंबर्स बिटवीन किस किस के बीच में, 32 एंड 53। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि सक्सेसिव क्या होता है, आगे वाली रकम, ठीक है ना। इसके ये जो नंबर है इसके आगे वाला नंबर कौन सा है वो इसका सक्सेसर है। तो इसमें मैंने आपको पहले भी समझाया है कि इसमें क्या करते हैं, हम प्लस वन करना है। सक्सेसर में हमेशा प्लस वन करना है, और जो प्रीडिसेसर है उसमें पहले वाला नंबर, प्रीडिसेसर मींस पहले वाला नंबर, ठीक है, तो उसमें माइनस वन करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम जल्दी जल्दी से निकालेंगे। तो सोल्यूशन में आपको लिखना है ऐसे, सक्सेसर ऑफ SUCCESSOR, सक्सेसर ऑफ 2, 4, 4, 0, 7, 0, 1 is 2, 4, 4, 0, 7, 0, 1 प्लस 1 करना है इसको, ठीक है। तो यह जाएगा आपके पास 2, 0, 7, 0, 4, 4 एंड 2। ये आ गया आपका इसका सक्सेसर, ठीक है ना। इसके आगे वाला नंबर यही है आपके पास, तो ये इसका सक्सेसर है, ये वाला इसका सक्सेसर है। तो इसी तरह से बी पार्ट भी ऐसे ही है, इसका भी कर दो आप जल्दी जल्दी से, SUCCESSOR, सक्सेसर ऑफ 100199 is 100199 plus 1 is equal to 9 over 1 10 9 over 1 10 2 0 0 1। तो ये आ गया इसका, ये इसका सक्सेसर आ गया। आपको सिंपली ये याद रखना है कि सक्सेसर में जो है हमें प्लस वन करना है, जो भी नंबर होगा उसको प्लस वन करना है, और जो नंबर आएगा वो उसका सक्सेसर होगा, ठीक है। इसी तरह से सी और डी पार्ट जो है ये आप घर में खुद कर लेना, ठीक है। इसके बाद कल पढ़ेंगे। थैंक यू।